इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चैट जी पी फोर और चैट जी बी थ्री पॉइंट फाइव में क्या फ़र्क है इस वक्त मेरे पास सब्सक्रिप्शन है चैट जी बी फोर की तो मैं डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई करूँगा और देखेंगे कि चैट जी का जो रिस्पॉन्स है वो कितना फर्क है चैट जी पी टी फोर में और थ्री पॉइंट फाइव में वेल बिफोर स्टार्टिंग आउट लेट्स सी कि जी पी टी फोर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और फिर उसको हम चैट जी पी टी प्लस के अंदर ट्राई करते हैं देखते हैं कि क्या फ़र्क हमें नज़र आता है सबसे पहले एक सबसे बड़ा चेंज जो इसके अंदर आया है वो है विजुअल इनपुट का मतलब ये कि आप इसके अंदर पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और उस पिक्चर पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है वट कैन आई मेक विद दीज इंग्रीडियंट और ये obviously इसको अंडरस्टैंड करेगा और उसकी बेसिस पे रिप्लाई करेगा सो इमेजन फ्यूचर में ऐसी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बन सकती हैं जिसमें आप पिक्चर लें अपने फ्रिज की और उसको ये क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दें कि भाई मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ क्या क्या बना सकता हूँ और क्या ग्रोसरी जो है वो मुझे बाय करनी चाहिए टू मेक सम मे बी डिशेस तो क्रिएटिविटी लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है सेकंड नंबर पर एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट प्रीवियसली हमारे पास जो कॉन्टेक्ट की लिमिट थी ना वो फोर थाउजेंड टोकन्स की थी अब ये टोकन्स क्या होते हैं बेसिकली आप जो कॉन्ट जो इनपुट देते हैं उसको और उसकी बेसिस पे जो आप आउटपुट जनरेट करते हैं इस दोनों को कंबाइन करके जो लिमिट थी वो फोर थाउजेंड टोकन्स की थी और ये आपके पास एक लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि जी पी टी थ्री के अंदर या थ्री पॉइंट फाइव के अंदर है और इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की लिमिट कर दी है मतलब अब ये है कि आप चाहें तो एक फिफ्टी पेजेस की या हंड्रेड पेजेस की बुक अपलोड करके उसके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं तो इमेजिन करें कि फ्यूचर में लोग लर्निंग इस तरह से करेंगे कि वो पिक अपनी पी बुक लेंगे उसको अपलोड करेंगे और उसकी बेस पे क्वेश्चंस करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट लर्निंग क्विकली रैदर देन रीडिंग द होल बुक दे कैन से क्वेश्चंस लाइक के आप मुझे फर्स्ट चैप्टर की समरी दे, दे दें या फिर मुझे इजी कर दें या अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो आप उसको समराइज uh, कर सकेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टोकन्स आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट। एक और एरिया जिसके अंदर जी पी टी फोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉग हो चुका है वो है रीजनिंग रीजनिंग के अंदर लॉजिकल आंसर्स के अंदर ये बहुत बेहतर है करंट वर्जन से जो कि जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव है अब लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं जेट जी पी टी को इनपुट की जा रही है कि तीन पसंद हैं उनकी जो टाइम है अवेलेबिलिटी के वो डिफरेंट हैं और ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि थर्टी मिनट्स की मीटिंग अगर करनी है तो इनके अवेलेबिलिटीज़ बताएँ बट आंसर रॉन्ग आ रहा है बट ये सेम क्वेश्चन जो है वो अगर जे जी पी टी फोर से किया जा रहा है तो आंसर परफेक्ट आ रहा है सो तो रीज़निंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है जस्ट लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वो बिल्कुल उस तरह से अंडरस्टैंड करके उसको रिप्लाई कर रहा है एक और बहुत ज़बरदस्त चेंज इसमें ये आई है कि इसने तकरीबन सभी जो दुनिया के एग्जाम्स हैं वो पास कर लिए हैं तो फ्यूचर में लेट्स सी के जॉब्स की जगह पर ये चैट जीपीटी बैठा होगा और ये हमारी से बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा वैसे हो भी सकता है ऐसा वेल ये डेवलपर्स के लिए चांदी है चांदी से मुराद ये है कि आप आप लोग जी पी टी फोर को यूज़ करके बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि आ, दिनों में वायरल हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं इमेजन कि आपका एक नॉलेज बेस है और उसको आप अपलोड कर लेते हैं जी पी टी फोर में और वो सारे आंसर्स देने देना, देना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि हमारी स्पोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सपोज अगर आप एक लर्निंग की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि प्रोग्रामिंग टीच करे और उसमें रीजनिंग की कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनेंगी ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई है हैं जिसमें इन्होंने इन एप्लीकेशन ने जी पी टी फोर का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी के जी पी टी फोर और जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव में क्या फ़र्क है सो so, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने प्लस मेंबरशिप बाय की हुई है और मेरे पास चैट जी पी की एक्सेस मौजूद है सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद लेट्स पोज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि आप लोग फ्री में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं इससे टाइटल के आइडियाज़ लेता हूँ और जो डिस्क्रिप्शन है उसके आइडियाज़ लेता हूँ फिर उसको 3.5 के रिजल्ट्स के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं सो so, आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी या जीपीटी से अगर आपने अच्छी आउटपुट लेनी है तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए बट इस वक्त मैं बहुत बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं बनाऊंगा। बट सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ ही सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि भाई क्या रिजल्ट मिलता है क्या अच्छा रिजल्ट मिलता है या बुरा रिजल्ट मिलता है लेट्स गेट स्टार्ट सो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है आ, इसमें मैंने ये कहा है कि भाई आपने मुझे आइडियाज़ देने के अपवर अपर के ऊपर मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ अपवर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर तो मुझे उसके टाइटल्स जनरेट करके दो ये जो मैं चैट जी पी से क्वेश्चन कर रहा हूँ सो so, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ गिव मी फाइव आइडियाज़ ओके सो पाँच आइडियाज़ हम इस प्रॉम्प्ट के लेते हैं लेट्स सी के क्या रिस्पांस मिलता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा स्लो है यहाँ पर आप लोगों को ये दिखने को मिलता है कि थोड़ा सा ये स्लो है एज़ कम्पेयर टू चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव वर्जन जो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया तो द रिजल्ट आर लैंड योर फर्स्ट अपवर्क जॉब टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेस अपवर्क बिगनर्स गाइड हाउ टू विन योर फर्स्ट जॉब विद कॉन्फिडेंस अनलॉकिंग अपवर्क फाइव इसेंशियल स्ट्रेटजीज टू स्क्योर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक these results आर गुड Now लेट्स जस्ट कॉपी paste these, दिस प्रॉम्प्ड इन साइड द 3.5 पॉइंट फाइव वर्जन बाई द वे अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन में देखते हैं तो यहाँ पर ये यह बाकायदा आपको बताता है कि क्या फ़र्क है इसमें 3.5 में और 4 में तो जो 3.5 पॉइंट फाइव वर्जन है उसके अंदर और जो जी पी टी फोर वर्जन है उसके अंदर वाज तौर पर एक फ़र्क जो आपको नज़र आएगा वो है रीजनिंग का और कंसाइसनेस का एंड इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कितना फ़र्क है सो so इस वक्त मैं 3.5 पे आ गया हूँ 3.5 पे देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है गिव मी फाइव आइडियाज़ इसमें आपको स्पीड काफ़ी बेहतर नज़र आएगी अप वर्क फर्स्ट जॉब टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट हायर क्विकली आई थिंक फर्स्ट टाइटल जो है वो इतना अच्छा नहीं है हाउ टू एस योर अपवर्क प्रोफाइल एंड विन योर फर्स्ट जॉब अप वर्क सक्सेस दी अल्टीमेट गाइड टू विनिंग विनिंग योर फर्स्ट फ्रीलैंस जॉब अब रिजल्ट्स आपके सामने आप कंपेयर करके मुझे बता सकते हैं मुझे ऑनेस्टली दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा बट ये वाला जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रा लग रहा था लें कि ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला जो है ना जी पी टी फोर वाला रिस्पॉन्स लगा है बाय द वे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है अप अलर्ट उसमें भी मैंने ये चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी ऐड की हुई है तो लेट्स सी के उसमें ये कैसा रिजल्ट देता है उसके रिजल्ट कैसे हैं तो आपने करना ये है कि मैं ये सेम प्रॉम्प्ट जो है वो इसमें भी इनपुट करके देख लेता हूँ एक दफ़ा कि ये कैसा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है लेट मी इंटर हीट हेयर और फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर भी आ जाएगा सो so, इसमें थ्री चेट जी चैट जीपीटी जो है वो 3.5 यूज़ हो रहा है चैट जी पी की एक्सेस जो है वो अभी सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं है अपवर्क सीक्रेट रिवील्ड हाउ टू लैंड योर फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क माय अपवर्क सक्सेस स्टोरी टिप्स एंड ट्रिक्स टू फॉर विनिंग योर फर्स्ट जॉब दी अल्टीमेट गाइड टू विनिंग योर फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क एंड रिजल्ट आर आई थिंक क्वाइट गुड हेयर एज वेल तो अगर आप लोगों के पास चैट जी पी टी वर्क नहीं कर रहा या फिर आप लोगों के पास फ्री वर्जन है तो आप ए आई मैंटर भी फ्री में यूज कर सकते हैं इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा नाउ लेट्स ट्राई अन अदर प्रॉब्लम और हम चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव से पूछते हैं कि नाइन प्लस टेन कितने होते हैं सी so, क्या आंसर आता है और फिर हम यही क्वेश्चन जी पी टी फोर से भी पूछेंगे एंड दिस सम इज़ नाइनटीन ओके सो आई से नो आई थिंक यू आर रॉन्ग हेयर

और जहां पर आपको पता है कि कैपेबिलिटीज जो है इसकी रीजनिंग की भी ज्यादा है कंसाइसनेस भी ज्यादा है सो आई इंटेड द सेम क्वेश्चन वट इज द सम ऑफ नाइन एंड टेन एंड द आंसर इज नाइनटीन ओके सो आई से नो यू आर रॉन्ग हेयर द सम इज ट्वेंटी नॉट नाइनटीन सो लेट सी अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन बट द सम ऑफ नाइन एंड टेन इज इन डीड नाइनटीन मतलब वो अपनी बात पर जो है ना कायम है आप उससे उससे वो फिर नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा बेहतर है रिजल्ट्स दिखाने में स्पेशली इन कैलकुलेशन में और अगर आप इनको इसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी कन्विंस नहीं होता जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ रहे हैं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर दैट द रिजल्ट इज ट्वेंटी प्लीज करेक्ट इट

सो इट मीन्स डेट इट विन हेयर और यहाँ पर यह अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ओके ना लेट्स पोस्ट के हम चैट जी पी टी को ये पूछते हैं कि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं बट ऐसी ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ये इस वक्त जो मॉडल है वो जी पी टी फोर है दोकस्ड दोकस्ड कीवर्ड मस्ट बी अपर्क एंड फ्रीलैंसिंग, ओके सो हमने फोकस्ड कीवर्ड भी बता दिया मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और चैट थ्री पॉइंट से भी पूछ के देखेंगे यार ये कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है लेट सी ओके जी इसने डिस्क्रिप्शन राइट कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी लिखी गई है मैं पढ़ूंगा तो नहीं इसको मगर ये कि आप के सामने ये स्क्रीन शॉट में भी लग जाएगी वीडियो में भी नज़र आ रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो है वो रिजल्ट कैसा है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैट जी पी और यहाँ पर हम इसको यही सेम कमांड जो है वो दे रहे हैं प्रॉम्प्ट दे रहे हैं सो नाउ यू कैन सी एटलीस्ट द रिज़ल्ट आर कमिंग वेरी वेरी फास्ट और स्पीड जो है वो काफ़ी बेहतर है सो so रिज़ल्ट आ गया है आर यू लुकिंग टू किक स्टार्ट योर फ्री करियर ऑन अपवर्क इन दिस वीडियो वी विल शेयर our top tips and tricks to help you land your first job on platform and build a successful freelancing career तो ये भी आप खुद पढ़ के देख सकते हैं मेरे ख़्याल से ये स्पीड की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी इसको एज मिलता है थ्री पॉइंट फाइव में यहाँ फोर तो में आपके पास जो है वो लोड ज़्यादा होने की वजह से शायद उन्होंने थोड़ा सा लिमिट किया हुआ है स्पीड भी बहुत कम आ रही है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैकेंड यूज़ केस और इस यूज़ केस के अंदर हम ये करने वाले हैं कि आज क्योंकि पाकिस्तान डे है ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च है तो हम इसका सोशल मीडिया मैसेज लिखना चाहते हैं तो इसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको गाइड करना पड़ेगा कि ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च को क्या हुआ था और ये क्यों पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसके लिए आपको शायद ना हो कि हम इसको लिंक भी दे सकते हैं किसी आर्टिकल का तो मैंने यहाँ पर विकीपीडिया का लिंक निकाला हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान डे के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और अब मैं ये इस लिंक को कॉपी करूँगा कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट From लिखता हूँ स्पेस के बाद यहाँ पर आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ यहाँ पर मैं कमांड uh, लिखूँगा प्रॉम्प्ट लिखूँगा जिससे ये पाकिस्तान डे के बारे में बहुत अच्छा मैसेज लिख देगा बाय द वे अगर आप ये टेक्स्ट फ्रॉम कमांड नहीं लिखेंगे तो शायद ये आपके मैसेज को प्रॉपरली समझ ना सके बिकॉज उसको तो नहीं पता ना कि भाई थर्ड ट्वेंटी मार्च क्या है अगर हम पाकिस्तान डे साथ अटैच करेंगे फिर शायद वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आए बट हमने इसको ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट दे दिया है जितना ज़्यादा आप कॉन्टेक्स्ट देंगे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसको इनपुट करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके लिए प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी राइट ए शॉर्ट एंड स्वीट पाकिस्तान डे मैसेज फॉर सोशल मीडिया पोस्ट राइट सो ये यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दी है अब इसको हम इंटर करते हैं लेट्स के चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है हैप्पी पाकिस्तान डे लेट्स सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी एज अ नेशन मे वी कंटिन्यू प्रोग्रेस एंड ट्राई विद पीस हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी ठीक है ये स हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज आ गया अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं जी पी टी फोर में लेट्सी के उसका रिजल्ट कैसा आता है लेट सी सो so, ये मैंने चैट जी बी फोर में इनपुट कर दिया है हैप्पी पाकिस्तान डे लेट्स कम टुगेदर टू सेलिब्रेट आवर यूनिटी रिजिलियंस एंड वाइब्रेंट कल्चर दैट मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग आई थिंक दिस इज़ गुड इमोज़ uh, का इस्तेमाल मेरा ख्याल है इसने काफ़ी बेहतर किया है इस्पेशली ग्रीन इमोजी हार्ट वाली तो so, यही सेम मैसेज मैंने यहाँ पर लर्ट्स फॉल एप्लीकेशन में इंटर किया तो यहाँ पर भी जो मैसेज है वो आपके पास ऑलमोस्ट चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव जो जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव वर्जन है उस जैसा नज़र आ रहा है बिकॉज बिहड दिन तो वही यूज़ हो रहा है बट आई थिंक आई थिंक इस केस के अंदर जो क्लियर विनर है वो जी पी टी फोर है उसने बेटर जो है ना हमें एक मैसेज लिख के दिया है नाव लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट यूज केस और वो ये है कि हमने लेट्स पोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है कॉन्टेंट लिखना है एक वेबसाइट का तो वह किस में बेटर प्रोड्यूस करेंगे क्या चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा याच जी पी टी फोर सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल राइट माई प्रॉम्प्ट हेयर ओके नाउ आई हैव रिटन ए प्रॉम्प्ट फॉर द ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं एक फ्री का ब्लॉग रन कर रहा हूँ और uh, मैंने एक आर्टिकल लिखना है जिसमें मैं, मैं बताऊँगा कि भाई अच्छी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए प्रॉम्प्ट आपके सामने है यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं थ्री पॉइंट फाइव वर्जन है एंड नाउ इट विल राइट इट विल राइट दी होल आर्टिकल फॉर अस सो एज ए फ्री लेंसर यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेक ए ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स विल सी यू सी वन दे ओके सो इट इज़ राइटिंग वेरी वेरी क्विकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेट प्रोफाइल पिक्चर ऑन फ्री लेंसिंग प्लेटफॉर्म्स योर प्रोफाइल पिक्चर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ए ग्रेट प्रोफाइल पिक्चर कैन ये उसने कैन लिख दिए डूज लिख दिए डोंट्स लिख दिए और मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिख दिया है जिसको मैं बड़ी आसानी के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता हूँ विच इज़ वेरी वेरी गुड और अब हम ये करते हैं कि इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और हम इंटर करते हैं यहाँ पर ये जो हमारा चेजीपी टी फोर है आई थिंक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है नॉट बैड uh, और ये कुछ पॉइंट्स हम पढ़ भी सकते हैं यूज एन इनप्रोप्रिएट और अफेंसिव फोटो अवॉइड यूजिंग फोटोज़ देट आर इनप्रोप्रिएट और अफेंसिव इन एनी वे दैन दे केन हार्मोर रेपूटेशन एंड टर्न पोटेंशियल क्लाइंट्स अवे यूज़ ए सेल्फी डोंट्स में आ रहा है यूज़ ए सेल्फी यूज़ ए लो क्वालिटी ठीक है यूज़ ए ग्रुप फोटो सो ये डोंट्स में आ रहे हैं so बहुत अच्छा है, इसने आर्टिकल लिख दिया भाई तो so मैं न्यू में जाता हूँ चैट जी पी टी फोर सेलेक्ट करता हूँ यही सेम प्रॉप्ट यहाँ पर इनपुट करता हूँ एंड लेट सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेट प्रोफाइल पिक्चर ऑन फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म्स डूज एंड डोंट्स इंट्रोडक्शन एज ए फ्रीलैंसर यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग आउट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपर फाइवर ठीक है द स्पीड इज स्लो हमें थोड़ा सा देखना पड़ रहा है इसके जनरेशन को लेट सो लेट्स वेट हेयर ये जब जनरेट कर लेगा तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ वेल well, ये सेकेंड टाइम है ये फेल हो चुका है और आर्टिकल मुकम्मल जनरेट करके नहीं दे रहा सो आई थिंक आई विल प्रेफ़र टू यूज़ चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव लॉन्ग फॉम कॉन्टेंट और जहाँ पर आप लोगों के पास कॉन्टेक्सट साइज़ ज़्यादा है मतलब प्रॉम्प्ट ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर आप चैट जी पी टी फोर यूज़ कर सकते हैं बट बिकॉज इन्होंने जो कॉन्टेक्ट साइज़ विंडो है वो इनक्रीज़ कर दी है अगर आप लोगों को चैट जी पी टी प्लस यूज़ करना है बिकॉज चैट जी पी टी जो थ्री पॉइंट फाइव है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन अप अलर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर जाकर आप लोगों ने अपना मैसेज लिखना है और ये आप लोगों को उसकी आउटपुट बहुत जल्दी जल्दी से जनरेट कर देगी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा आने वाले दिनों के अंदर मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं चैट जी पी और 4 का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड